बीकानेर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर गांव मोमासर सजा धजा हुआ है। बहुत सारे स्वागत द्वार बने हुए हैं। गांव के केंद्र में बने भोमिया जी के मंदिर के आगे हाथों में दिए लिए सैकड़ों महिला और पुरुष महाआरती शुरू होने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही देर में पुष्कर के पंडितों की टीम महाआरती शुरू करती है और लोक कला के रंगों में रंगे लोग भक्ति के माहौल में डूब जाते हैं। गांव में अलग तरह का उत्साह का माहौल इसलिए भी है क्योंकि यहां 200 से ज्यादा कलाकार तो आए ही हैं, इतने ही प्रवासी भी उत्सव में शामिल होने के लिए गांव आए हुए हैं। दुबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु और त्रिचूर तक से गांव के लोग आए हैं। अब प्रवासियों के गांव आने का यह उत्सव भी एक बहाना है। गांव में आए कलाकारों और मेहमानों के लिए सेठों ने अपनी हवेलियां खोल दी हैं। सेठ जयचंद लाल पटावरी की हवेली का तो खास तौर से पटावरी परिवार ने उत्सव के लिए ही रिनोवेशन करवाया है। मोमासर उत्सव की शुरुआत 2011 में हुई थी। बीच में 2 साल कोरोना की रुकावट जरूर आई, लेकिन इस बार यह दुगने उत्साह से शुरू हो गया। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कलाकार और वाद्ययंत्र जिनको बड़ी पहचान नहीं मिली, उन्हें भी इस उत्सव में मंच मिल रहा है। उत्सव में शामिल होने आए जाने माने कवि सनपत सरल और प्रख्यात राजस्थानी गायिका सीमा मिश्रा कहती हैं, भीड़ भाड़ वाले शहरों से दूर एक दुरुस्त गांव में लोक संगीत को सुनना अलग तरह का अनुभव है। यहाँ माइक का उपयोग किए बिना वाद्य यंत्रों का ओरिजिनल फॉर्म में सुनना अलग ही फील होता है। चुरू जिले की जमुना देवी और माली देवी इकतारे पर गाने वाली अपनी तरह की अकेली कलाकार हैं। वे इस उत्सव में प्रस्तुति दे रही हैं। बारा जिले के शाहबाद के नंद किशोर धूम धड़ाका नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। संभवत वे भी इसके अकेले कलाकार हैं। उदयपुर जिले के भील गमेती और डमोर कलाकार भी यहां आए हुए हैं। उत्सव का उद्देश्य है जिनमें काबिलियत है लेकिन अवसर नहीं मिलते, उन्हें यहां मौका दिया जाता है।